गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। मीन्स आप इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल सकते हो, साथ के साथ आप शील्डिंग इफेक्ट भी इसको नाम दे सकते हो। क्लियर? तो आप सभी बच्चों को पता है कि आपने ग्रुप के अंदर मूवमेंट की, जैसा कि हमने बात की थी कि जब भी हम किसी ग्रुप के अंदर मूव करते हैं, मीन्स टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो आपने देखा बच्चे कि जब हम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट एलिमेंट मूव करते हैं, मूव करने से वहाँ पे शेल नंबर इंक्रीज़ कर जाते हैं। मीन्स आपने देखा था कि जैसे ही लिथियम से हमने सोडियम के अंदर मूव किया, तो आपने देखा लिथियम के अंदर टू शेल थे, सोडियम के अंदर थ्री शेल हो जाते हैं। और अगर ऐसे ही आप और नीचे जाना चाहते हो, ग्रुप के अंदर मूव करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो शेल थे यहाँ पे शेल थ्री थे। क्लियर? यहाँ पे शेल बेटा एक और इंक्रीज़ कर जाएगा, मीन्स यहाँ पे फोर शेल प्रेजेंट हो जाएंगे। क्लियर? और अब हम बात करने वाले हैं इन शेल्स का यूज़ करते हुए ही हम शील्डिंग इफेक्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चे आपने सभी बच्चों को क्लियर है कि दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के साथ आपने अट्रैक्शन को चेक करना है। क्लियर? और सेकेंडली आपने क्या कंपेयर करना है, अब न्यूक्लियस की सेकेंड शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनके साथ कंपेयर करना। ओके? तो आपने बच्चे बहुत अच्छे से बिल्कुल फेयरली बताना है कि इस न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन कम है, मीन्स फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन कम है या फिर सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ कम है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि बच्चे कि सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। ओके? तो इसके साथ साथ अगर हम कंपेयर करते हैं थर्ड शेल के साथ, जी थर्ड शेल के जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस के साथ कम होगी एज़ कंपेयर टू फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल। क्लियर? तो इस बात को आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। तो बच्चे ध्यान देना है, दिस इज़ कॉल्ड द स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो आपने इन बातों का आपने बहुत फेयरली आंसर दिया, यही आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो बच्चे स्क्रीनिंग इफेक्ट के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस में एलिमेंट के अंदर शेल की एडिशन होने से न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के साथ इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, और इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। आई रिपीट अगेन कि आपने बोलना है बेटा न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट जो शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ अट्रैक्शन का वीक हो जाना ड्यू टू एडिशन ऑफ द नंबर ऑफ शेल्स कॉल्ड द स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर? तो इन पॉइंट्स को आप रीड आउट कर सकते हो। अब इसके बाद आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो, द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इज समवट डिक्रीज, बिकॉज आप जैसे ही शेल्स की एडिशन होगी तो आउटर मोस्ट शेल के साथ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक पड़ जाएगी। ठीक है? और अब आप यहाँ पे कंप्लीटली पढ़ सकते हो, दिस डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर मोस्ट शेल। अंदर वाले जो शेल्स हैं उनके कारण जो अट्रैक्शन वीक पड़ती है उसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम देंगे। क्लियर? तो आज इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके साथ साथ अभी मैं नेक्स्ट बात करूंगा आयनेशन एंथैल्पी की। ओके? थैंक यू।